In this chapter, life of the next point, life of the people, Congo has a very thin population. यहाँ की जनसंख्या जो है बहुत ही कम है. Many tribes live here. The Bantu is the largest tribe. यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं, जिसमें कि बांटू एक प्रकार की जाति है जो कि घने जंगल में रहती हैं. इनकी बांटू पीपल्स टाल एंड कर्ली है. ये लंबे होते हैं और इनके हेयर या बाल जो होते हैं वो कर्ली होते हैं. दे लीव बाई पिजिम्स ट्राइब्स आर एक्सट्रीमली शॉर्ट. और इसी प्रकार से जिस प्रकार से बांटू एक प्रकार की ट्राइब्स है, वैसे ही पिजिम्स एक प्रकार की ट्राइब है, जाति है, जो कि बहुत ही छोटी होती है. बांटू ट्राइब्स जो है वो लंबे होते हैं और उनके हेयर जो है कर्ली होते हैं, लेकिन पिजिम्स ट्राइब जो है वह एक्सट्रीमली शॉर्ट होते हैं. दे लीव इन डेंस फॉरेस्ट. यह जो है घनी आबादी वाले होते हैं, वाले जंगल में रहते हैं. दे लीव बाई हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग हनी एंड फूड. यह जो है इनका काम होता है, इनका अपनी आजीविका को चलाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, एनिमल्स का शिकार करते हैं, हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग हनी, हनी को या मधु को इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार से अपनी जीविका को चलाते हैं. और यह एक तरह से नोमैडिक जाति भी होते हैं. देयर पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ माइग्रेट. इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नोमैडिक जीवन जीते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ कांगो इज फार्मिंग एंड माइनिंग. इनका मेन मुख्य पेशा जो होता है काम का, यहाँ पर ये लोग फार्मिंग और माइनिंग, ये दो ही काम ये लोग करते हैं यहाँ पर. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर कशावा, मैसे, बनाना एंड राइस. इनका मुख्य फसल जो है, जो उगाते हैं लोग अपने खेतों में, वह हो कशावा, मैसे, बनाना एंड राइस. कशावा इज द स्टेफल फूड क्रॉप. सबसे मुख्य भोजन जो इन लोगों का यहाँ पर है वह कशावा है. कैश क्रॉप्स लाइक कोको, कॉफ़ी एंड टोबैको. और कैश क्रॉप के रूप में ये लोग कोको, कॉफ़ी और टोबैको भी उगाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज. कांगो इज रिच इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, डायमंड, कोल एंड मैगनीज. सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिच है या धनी कहा जा सकता है, या सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं गोल्ड, डायमंड, कोल एंड मैगनीज. वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हियर. यहाँ पर पानी जो है सबसे मेन रिसोर्स है, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है. कांगो हैज़ एन अंडर डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के सबसे ज़्यादा आसान तरीके अभी नहीं उपलब्ध हो पाए हैं. मतादी इज़ द चीफ सी पोर्ट. सबसे ज़्यादा सी पोर्ट से काम यहाँ पर किया जाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के काम जो है सबसे ज़्यादा सी पोर्ट के बेस पर किए जाते हैं. और वहाँ मतादी जो है वह सी पोर्ट के रूप में काम करता है. रोड्स एंड रेलवेज आर आल्सो देयर, बट देयर आर नॉट वेल मेंटेन. वहाँ पर रेलवेज और रोड्स तो हैं, लेकिन मेंटेनेंस ठीक नहीं होने के कारण वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के काम नहीं हो पाते हैं. पीपल्स प्रीफर टू ट्रेवल बाई एयर. लोग जो है अगर जाना कहीं चाहते हैं तो वह एयरोप्लेन के द्वारा भी जाते हैं. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो इज नाउ इम्प्रूविंग डे बाई डे. और कांगो बेसिन के लोग जो है, वहाँ के रहने वाले, वहाँ की स्टाइल या लाइफ स्टाइल जो है वह अब काफ़ी रिसेंट टाइम में चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि द पीपल हैड अडॉप्टेड न्यू लाइफ स्टाइल. क्योंकि सब कुछ वहाँ पर डेवलप हो रहा है, डेवलप होने के कारण ही वहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो रही है. बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं. द मनी अर्न बाय एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स. वहाँ पर लोगों को अर्न करने, मनी इकट्ठा करने के लिए या कमाने के सबसे मेन साधन हो गए हैं, मीन्स हो गए हैं, मिनरल्स इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इस तरह से मिनरल्स को वे लोग एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहे हैं, और जो कि उन लोगों के डेवलपमेंट के काम में आ रहे हैं. This chapter is finished. PDF is up to date. This chapter is finished. PDF is uploaded. Make your notes.
from there. Thank you.